आरपीएफ के जवान ने बचाई एक यात्री की जान। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र मिश्रा सील चेकिंग ड्यूटी में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान प्लेटफार्म नंबर एक पर समय 5:43 पर नंदन कानन एक्सप्रेस के आगमन पर सील चेक कर गाड़ी को खैरियत से पास कराया जा रहा था। उसी दौरान एक यात्री पीछे से अपने सिर पर सामान लेकर S11 कोच में सामान को फेंका और स्वयं ट्रेन में चढ़ते समय उसके दोनों पैर फिसल कर ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच आ गए। उस ट्रेन के बीच फंसा देख ड्यूटीरत हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र मिश्र ने तेजी दिखाते हुए फंसे यात्री के हाथों को पकड़ लिया और यात्रियों को ACP के लिए आवाज दी और गाड़ी में चेन पुलिंग भी नहीं हो पा रही थी। बाद में हेड कांस्टेबल के द्वारा अपनी सूझबूझ के साथ उसे स्थिरता व धैर्य के साथ पकड़े रहा और पूरी गाड़ी निकल जाने पर उसे ऊपर खींचा और उसकी जान बचाई। ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसे रहने के बावजूद उसे मामूली चोट भी नहीं आने दी, जिस पर मौके पर उपस्थित यात्रियों द्वारा RPF की प्रशंसा की गई। यात्री ने अपना नाम दिलीप चौहान, उम्र 25 वर्ष, ग्राम धौरपुरा, थाना देहात, कोतवाली का बताया। जी सर बताएं, ऐसा सूचना मिला है कि आपके यहाँ सिपाही द्वारा किसी यात्री की जान बचाई गई, क्या है मामला? ये कल दिनांक 3/12/2020 को नंदन कानन एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई तो पैसेंजर सिक्योरिटी और सीट चेकिंग ड्यूटी में हमारा तैनात स्टाफ धर्मेंद्र मिश्रा वहाँ से गाड़ी को पास करा रहा था। तो 6:45 के करीब गाड़ी आके रुकी और जैसे ही चली तो उसने पीछे से एक यात्री अपना सामान सर पे लिए हुए तेजी से आया और एक कोच में अपना सामान फेंका और खुद चढ़ने के प्रयास में तेजी में उसका पैर फिसल के प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच में आ गया और वो एकदम नीचे चला गया। उसी दौरान वहाँ पे ड्यूटीरत जो हमारे हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र मिश्रा थे उन्होंने देखा और तेजी से उस व्यक्ति को बचाने के लिए दौड़े और जाके वहाँ पे पहले रुक के थोड़ा सा उसको दिलासा देते हुए फिर उसका हाथ पकड़े कि कहीं घबराहट में वो पीछे न चला जाए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में देख रहे थे लोग, उन्होंने ACP आवाज भी दी कि मतलब ACP करो, चेन पुलिंग करो। ऐसे चेन पुलिंग गाड़ी में नहीं हो पाई और उसे धैर्य बंधाते हुए उस व्यक्ति को हमारा जवान जो था उसका हाथ पकड़े रहा और कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तुझे कुछ नहीं होगा, बस तू मेरी तरफ ही देख और सीधे इधर ही देख, कुछ नहीं होगा। और वो एकदम उसका हाथ पकड़े रहे और 11 बोगियां उसके बाद से निकल गई और 11 बोगियों के निकलने के बाद फिर उसे ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़ाए और वो बहुत ही खुश हुआ। वैसे अस्तब्ध था वो, खुश क्या, अस्तब्ध था, कुछ बोल नहीं पा रहा था उस समय था। और उस दौरान मैं भी CCTV में था क्योंकि मैं ये देखा, मैं भी तेजी से वहां पे पहुंचा और उसका नाम पता पूछे तो उसने अपना नाम, स्थिति क्या है उसकी, स्थिति ठीक है एकदम, उसे कहीं कोई चोट नहीं लगी, यही तो जाके रखो साहिए मार सकेंगे, उसे खरोंच तक नहीं आई, वो पूरी तरह से उसका जो शारीरिक बनावट थी वो भी थोड़ा सा पतला था जिसकी वजह से चलो थैंक यू।